मित्रों जय माता दी। 15 नवंबर शुक्रवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष स्किन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 15 नवंबर शुक्रवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रात में 3:29 तक रहेगी। तदुपरांत प्रथमा तिथि आरंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रात में 10:51 तक रहेंगे। तदुपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। व्यतिपात योग प्रातः 8:33 तक रहेगा। तदुपरांत बरियान योग आरंभ होगा और ये प्रातः 6:03 तक रहेंगे। बिष्टकरण दिन में 4:36 तक रहेंगे। बौकरण रात्र में 3:29 तक रहेंगे। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार जीरा। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। पश्चिम दिशा की यात्रा अगर आपके लिए अति आवश्यक है तो जीरा खाकर आप यात्रा आरंभ करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:36 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:24 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5 से है। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा मेष राशि में है। रात्रि 4:38 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पूरब दिशा है। रात्रि 4:38 पर चंद्रमा दक्षिण दिशा में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आज पूरब दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। रात्रि 4:38 के बाद में दक्षिण दिशा की यात्रा आप आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 तक। गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 तक। यमगंड काल दिन में 3 से 4:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं दिक्कत परेशानी आपको उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुरू करते हैं तो आपको निश्चित ही कामयाबी भी मिलेगी। तो काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में आप जो है यात्रा भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हो वो भी कर सकते हैं। तो यकीन मानिए इन सभी कामों में आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर आज दिन शुक्रवार की जो है सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। तो काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर ही रात की शुरुआत शाम 6 से होती है। तो प्रातः अमृत काल से शुरू हो रहा है। अमृत काल का बाल स्टार्ट हो रहा है 9:12 से 9:36। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है।
युवा 9:36 से शुरू हो रहा, 10 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू हो रहा, 10:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 10:24 से शुरू हो रहा, 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल 12:12 शुरू होगा। अभी वृद्ध का है, अमृत काल का वृद्ध 12:12 शुरू होगा, 12:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट कर दिया। अमृत काल का बाल 2 बजे से शुरू होकर 2:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 2:36 से शुरू होकर 3:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 3:12 से शुरू होकर 3:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 3:48 शुरू होकर 4:24 तक बिताएगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल यानी महेंद्र काल चालू हुआ। आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल जो है 4:24 शुरू हो रहा, 4:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए सामान्यतः अनुकूल समय है। युवा 4:48 शुरू होकर 5:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:12 शुरू होगा, 5:36 रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:36 शुरू होगा, 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे दिन शुक्रवार के दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको शुक्रवार के रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रात की शुरुआत भी अमृत काल से शुरू हो रही। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से, 9 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे शुरू होकर 9:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 9:36 शुरू होकर 10:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय होगा। वृद्ध 10:12 शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे अमृत काल रिपीट किया। महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 1:12 से 1:24 तक। किसी भी कार्य के लिए सामान्य अनुकूल समय। युवा 1:24 शुरू होकर 1:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 1:36 शुरू होकर 1:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 1:48 शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है और रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब इसमें एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। तो जाहिर सी बात है आपके मन में शंका आ रही होगी कि महेंद्र काल और अमृत काल है क्या। देखो, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें प्राथमिकता महेंद्र काल को दी गई है। जब किन्हीं कारणों आपको महेंद्र काल न मिले तो आप अमृत काल में भी काम कर सकते हैं। कहने करती है जहां तक हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। और एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। ये क्या? देखो, ये विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। इसको आसानी से आपको समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जब आपने जन्म लिया, इंसान जब जन्म लेता तो बच्चा होता, यानी आपने जब जन्म लिया तो बच्चे थे। जब आप कुछ बड़े हुए तो जवान हो गए, जब और बड़े हुए तो जवान तो बचे नहीं, अधेड़ हो गए, और जब और उम्र बढ़ी तो आप बूढ़े हो गए।
तो बाल का मतलब बचपना, बचपना का मतलब बाल, और फिर जब आप बड़े हुए जवान हुए तो उसका मतलब हो गया युवा, जब और आगे बढ़े यानी अधेड़ हो गए तो उसका मतलब हुआ प्रौढ़, और जब और उम्र बढ़ी बूढ़े हो गए तो वो उसका मतलब हुआ वृद्ध। तो अब आप एक चीज ये बताइए कि ताकतवर कौन होगा, बाल होगा या वृद्ध होगा, बच्चा होगा या बूढ़ा होगा? सही कहा आप लोगों ने, ना बूढ़ा ताकतवर होगा ना बच्चा होगा। ताकतवर होगा तो जवान होगा यानी युवा होगा, या फिर प्रौढ़ होगा अधेड़ होगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, चाहे आप महेंद्र काल में यात्रा आरंभ करें चाहे अमृत काल में यात्रा आरंभ करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा में या प्रौढ़ा में काम स्टार्ट करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, इन्हीं कारणवश अगर आपको युवा और प्रौढ़ का समय नहीं मिल पा रहा है तब आप बाल का और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। बस अंतर इतना है भाई, बाल और युवा, बाल और वृद्ध में थोड़ी देर में कामयाबी मिलेगी, युवा और प्रौढ़ में जल्दी मिलती है, बस इतना ही डिफरेंस होगा। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए। हाँ, हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त को आप जो है, आपको यात्रा करना है आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको कोई नया कार्य आरंभ करना है इस्तेमाल करिए, और विश्वास मानिए निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा भाई, कंजूसी न करिएगा। जिन जिन लोगों को जो है शुभ मुहूर्त से, काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त से कामयाबी मिली है वो तो कमेंट बॉक्स में